अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज मेरा लास्ट डे इस होटल में, और होटल में भी और तुर्की में भी, क्योंकि आज रात की मेरी है वापसी। आज रात में आऊँगा वापस। दिन पूरा है मेरे पास घूमने फिरने के लिए। अभी यहाँ पे तकरीबन 11 का टाइम हो गया, और यहाँ से भी मैं चेकआउट करूँगा, क्योंकि आज तो रूम नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आज मैं रात को, तो वैसे मेरी फ़्लाइट है, इसलिए रूम लेने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ, और ये मेरा बैग भी पड़ा हुआ है। और अभी यहाँ से निकलेंगे, दो तीन जगह मैंने टारगेट की हुई है, मेन मेन जगह वो विज़िट करेंगे, और उसके बाद देखते हैं टाइम हुआ तो कुछ और जगह भी विज़िट कर ले। तो गाइस, थोड़ा सा मैं आपको रूम का अपने का विज़िट करवा दूँ। ये विंडो है, ये टू बेड है, ये टू बेड है, और साथ में दो ड्रॉअर है, और एक अलमारी भी दी हुई है कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको अंदर से, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैंने शायद आपको रूम का विज़िट नहीं करवाया अभी तक। ये एसी लगा हुआ है, क्योंकि पंखा तो बिल्कुल ही नहीं होता यहाँ पे। इतनी कह लें कि गर्मी नहीं पड़ती मरी की तरह, जैसे पंखे नहीं लगे होते यहाँ पे भी पंखे नहीं लगे हुए, इवन के होटल से वहाँ पे भी नहीं लगे, और रूम है उधर भी नहीं लगे। ये अपना हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा एक फ्रिज पड़ा हुआ है, सिंगल बेड ये है, और ज़्यादातर मैं तो इसी बेड पे सोता था, क्योंकि इसके साथ चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। और ये ब्लोअर भी पड़ा हुआ है, केटल पड़ी हुई है, पानी वगैरह चाय वगैरह कुछ भी बना सकते हैं आप। ये छोटा सा वाशरूम भी दिया हुआ है साथ में। तो अभी मैंने अपना रूम आपको सारा विज़िट करवा दिया है। मैं तो सिंगल ही रह रहा था, लेकिन थ्री बेड था, तीन लोग इजी आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो डिटेल है वो मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बता दूंगा, एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें फुल डिटेल आपको यही बताऊंगा कि यहाँ कैसे आना, कैसे रहना, रूम कैसे लेना, कितने में मिलता है, ये सारी पूरी डिटेल आपको एक व्लॉग में मिल जाएगी। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, बाहर निकल आया हूँ रूम से, चेकआउट कर लिया मैंने, और ये बैग मेरे हाथ में, बैग अभी यहाँ पे एक दोस्त है उसके पास रखवाऊँगा, और थोड़ा विज़िट करूँगा, कुछ शॉपिंग करने वाली है अभी, वो करेंगे शॉपिंग, और रात को मेरी फ़्लाइट है, रात को एयरपोर्ट जाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो मुझे ये सामान रखना है, ताकि ये रख के तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। तो गाइस, अभी मैं बाहर निकला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, एक जगह है टोपा कापी, तो वहाँ पे पता चला है कुछ ज़्यारतें हैं। अभी मुझे कंफर्म तो नहीं पता कि ज़्यारतें किसकी हैं, वहाँ जाएंगे किसी से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो फिर मैं बताऊँगा, क्योंकि ऐसे कोई गलत नाम ना ले दूँ मैं, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। वहाँ पहुँच के जाके मैं बताऊँगा कि ज़्यारत किसकी है, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी जाएँगे मेट्रो की तरफ, मेट्रो पर बैठेंगे, और मेट्रो से तकरीबन यहाँ से है कुछ 15 से 20 मिनट का सफ़र है, मैंने किसी से पूछा है, और यहाँ से थोड़ी करीब ही है मेरे, बल्कि मेट्रो बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ से मेट्रो का कार्ड लेते हैं और मेट्रो पे चलता हूँ, और वहाँ जा कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, और यहाँ से सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगती है, नमाज के बाद 10-15 मिनट मतलब तलावत ज़रूर करते हैं, और इतनी प्यारी आवाज़, इतनी सुकून वाली आवाज़, मैं तो पूरी बैठ के सुनता हूँ, बहुत सुकून मिलता है दिल को, और यकीन मानो बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यारी आवाज़ है, और मज़ा आ जाता है नमाज़ पढ़ने का। गाइस, जो तुनी में गया टोपा कापी, क्योंकि वहाँ के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया,
मैं आ गया हूँ अभी ग्रैंड बाजार। ग्रैंड बाजार है मिस्र का, ग्रैंड बाजार आया हूँ मिस्र का। यहाँ पे तकरीबन शॉपिंग के लिहाज से कह लें आप, वैसे टूरिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ओल्ड बाज़ार है और शॉपिंग के लिहाज से थोड़ा रीज़नेबल भी है हर हिसाब से। तो अभी मैं वहाँ पे हूँ, चलता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और अभी मैं आऊँ यहाँ, यहाँ मैं घंटा डेढ़ घंटा मतलब स्पेंड करता हूँ, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद जाना है एक दो जगह और फिर वहाँ पर चलते हैं। देखिए ऐसे ट्रेन चलती है और इसी ट्रेन में मैं आया हूँ इसी साइड से। और ये अभी मैं मिस्र बाज़ार की तरफ जाऊँगा, अभी गया नहीं हूँ, अभी तो मैं मेट्रो स्टेशन पे जस्ट उतरा हूँ और वहाँ पे खड़ा होकर मैंने बहुत बड़ा बाज़ार है, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन है टोटल, ये इलेक्ट्रिक चलती है। तो ये इंट्रेस है गाइस ग्रैंड बाजार की। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा कैमरा ओपन नहीं करूँगा क्योंकि अलाउ भी नहीं है और ये पब्लिक प्लेस है वैसे भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं अंदर इंटर होंगे। ये तो गाइस बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ से मैं खड़े होकर सोच रहा था कि मैं किस साइड पे जाऊँ, तो देखते हैं। बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं आगे, काफ़ी सारे अंदर निकलते हैं बाज़ार, तभी कि मैं बाज़ार के अंदर ही हूँ। तो इस टाइम मैं गाइस मिस्र के बाज़ार में हूँ, ये मेन चौक है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो इधर भी मेरी बैक साइड पे भी बाज़ार है, इधर से भी बाज़ार गुजरता है और इधर से भी गली गुजरती है सारा, वहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हुआ। मैंने तो काफ़ी सारा घूम लिया लेकिन ये हिसाब लगाया कि सारा दिन भी मैं ये घूमता रहूँ नहीं ख़त्म हो सकता, इतना बड़ा है ये वाला बाज़ार ना, और बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी टाइम से डेढ़ घंटे से मैं घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक एक बाज़ार देख सका हूँ, बाकी जो बाज़ार है वो नहीं अभी मैंने तक देखे। तो अभी थक गया हूँ घूम घूम के, फिर के थक गया हूँ मैं, अभी यार कहीं बैठते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर देखते हैं। थोड़ा आप लोगों को भी विज़िट करवा दूँ मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं करवा रहा कि पब्लिक बाज़ार है और यहाँ पे थोड़ा कैमरे का इशू है, वीडियो नहीं बनाने देते ना ज़्यादातर, इस वजह से नहीं मैं ज़्यादातर करवा रहा। ये इनका ट्रेडिशनल कावा है और साथ में स्वीट वगैरह है ट्रेडिशनल। एक्सक्यूज मी लुक दिस शॉप ओनली टू जस्ट लाइक द स्पाइस वेलकम आई शो यू ओके जस्ट लुकिंग नो प्रॉब्लम। तो ये वाला वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह।
उसके पास काम कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस ये मैंने आपको विज़िट करवाया है ग्रैंड बाज़ार, बताया मैंने कि बहुत बड़ा है, यानी एक दिन में भी नहीं बंदा कर सकता, इसके लिए तो कम से कम दो दिन होने चाहिए बंदे के पास। चौदह सौ इकाठ की ये बिल्डिंग बनी हुई है, ग्रैंड बाज़ार इसको कहा जाता है, मिस्र बाज़ार भी कहा जाता है, और तुर्किश ज़बान में बेज़त भी कहा जाता है इसको। और ये वही उसी ज़माने के बाज़ार हैं, उसी तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। ये साथ में मस्जिद है, ये मस्जिद का गेट है, और ये मस्जिद जो तमीर हुई है ये भी ऊपर लिखा हुआ 1748 में ये मस्जिद तमीर हुई थी। ये वाली थोड़ा बाज़ार का मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ, ओल्ड बाज़ार है, उसी ज़माने की ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो यहाँ से मैंने अभी लिया है जूस, ये वाला ऑरेंज, ये मिल्क, और ये अनार का है। जूस बनाने का ये तरीका है। अभी गाइस मैं फिर जा रहा हूँ तकसीम की तरफ, जाते जाते मैं क्या लास्ट टाइम उधर से भी चक्कर निकाल लूँ, क्योंकि मैं गया तो था लेकिन मैंने वो ना सही से विजिट नहीं कर पाया। अभी मैं मेट्रो के अंदर बैठा हुआ हूँ, उसी तरफ ही जा रहा हूँ तकसीम की तरफ। तकसीम इस्तांबुल के अंदर जगह है घूमने फिरने की। तो अभी गाइस जो है मैं तकसीम में पहुंचा हूं, साथ में दोस्त ही है। अस्सलाम वालेकुम, फारिग थे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये तकसीम में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, पीछे देख सकते हैं आप। मस्जिद है ये इस्तिक्लाल स्ट्रीट के सामने, ये मस्जिद है, ये इस्तिक्लाल स्ट्रीट का पॉइंट है, ये सामने पीछे देख सकते हैं, इस तरफ मोड़ी है, इस तरफ मस्जिद की तरफ थोड़ा सा, ये जो बीच में ताबूत टाइप नज़र आ रहा है, इसके अंदर इस्तिक्लाल स्ट्रीट की हिस्ट्री है। बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्ट और गैदरिंग और ये चीज़ें होती रही है, इवन कि आप देख सकें बल्दिया ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ कुछ ना कुछ प्रोग्राम अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया ये वाला सामने। तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं गाइस, यानी हमेशा यहाँ पे शुगल मेला और हल्ला गुल्ला होता रहता है। तो आप आइएगा तो इस्तांबुल में इस्तिक्लाल स्ट्रीट यानी तकसीम को ना भूलिएगा, मेन मैदान है ये वाला। हाँ, मेन मैदान, इसको मैदान भी बोला जाता है। सही सही सही। तो अभी तो इतना रश नहीं लग रहा मुझे, उस दिन हम जाएंगे अभी जो गली है जिसे कहते हैं तकसीम स्क्वायर के, जो आपका स्ट्रीट है उधर जाएंगे, उधर जाके आपको थोड़ा बहुत
बताएंगे कि क्या सीन है उधर और क्या लोगों का रुझान है, किस तरफ लोग माइल होते हैं, किस तरफ लोग आते हैं, एंटरटेनमेंट क्या है यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म के स्वीट्स के हैं यहाँ पे, आपकी गेमिंग है, शॉपिंग मॉल है, उसके अलावा आपकी नाइट क्लब शोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी तरह मस्जिद भी है, बहुत सारी बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये सामने नज़र आ रही है मस्जिद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा फिर कहीं बैठते हैं, थोड़ी तो चाय वगैरह पीते हैं अभी। चलिए आप इस गली में चलते हैं या आपको इस तरफ, या पहले हम वीडियो बनाएंगे क्या करेंगे? नहीं वीडियो बाद में बना लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ थोड़ी रेस्ट कर लेना, चल चल के थक गए यार अभी। आप देखिएगा बेहतरीन है यहाँ पर, ये वाली समंदर है। तो भाई चल चल के भूख बहुत लगी थी, तो यहाँ के एक बहुत फेमस होटल नज़र आया, वहाँ से अभी हम खाएंगे। ये दुम्बे का गोश्त है, बहुत टेस्टी बना हुआ है और साथ में राइस है, साथ में ड्रिंक है और ये साथ में कोक है। तो ये इस्तेक्लाल स्ट्रीट है और ये देखें पीछे काफ़ी आवाम बैठी हुई है और काफ़ी खूबसूरत होटल है ये। I love that. Salam Ahmed. Puri nazar aa rahi hai. Star bhai aaj ja rahe hain. Aaj papa. इनकी डाउनटाउन कंपनी है, डाउनटाउन कंपनी के। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वापस, सामान वगैरह मैंने बस में रखवा दिया, अभी ये बस खड़ी है, अभी चली नहीं है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 का टाइम हो रहा है और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 6 बजे की, तो यहाँ से 1 घंटा तकरीबन एयरपोर्ट का लगेगा। तो टिकट वगैरह मैंने ले ली है और सामान वगैरह भी हो गया अभी बस में, तो बस थोड़ी देर में निकलने वाली है। तो अभी गाइस मैं बस में बैठ गया, अभी चली तो नहीं है, थोड़ी देर तक चलेगी, बस 5-10 मिनट है। तो तकरीबन यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, बस चलने वाली है, पहुँच के पिकअप। तो गाइस अभी एयरपोर्ट पहुँच गया, मैं भी सामान वगैरह नहीं डाल रहा है, ठीक 1.25 घंटे में यहाँ पर पहुँचा रही है बस में। सही बूथ तो मुझे तो आ गई थी नींद, मैं तो सो गया था बस में, इतना इधर बस सोया भी नहीं। तो अभी टाइम है 3 घंटे पहले मेरी फ़्लाइट में, तो चेक इन शुरू हो गई है, इतनी जाके बोर्डिंग शोडिंग करवा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये है तुर्की का एयरपोर्ट गाइस, एयरपोर्ट मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, ये चेक करें आप। उस बस में मैं अभी आया, ऐसे बस आती है, वैसे तो टैक्सी भी आती है लेकिन बस नॉर्मल किराया लेती है। डोमेस्टिक, ये साइड डोमेस्टिक है और ये साइड इंटरनेशनल है। फ्लाइट में तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है गाइस, तो मैं लगूँ अभी सोने, थोड़ी रेस्ट करते हैं, बहुत थकावट हुई है यार, और रात को तकरीबन 2 बज रहे हैं अभी पाकिस्तान में, तो हाँ तो नहीं 3 बज रहे हैं यार, पाकिस्तान में तो 5 बज रहे होंगे,
तो अभी करते हैं रेस्ट यहाँ बैठ के, तो घंटा डेढ़ घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, बोर्डिंग कार्ड मिल चुका है मुझे, सामान मैंने बुक करवा दिया था अपने साथ, तो अभी मैं वेटिंग रूम की तरफ जा रहा हूँ। अभी यहाँ से पासपोर्ट चेक होगा, स्टैम्प वगैरह लगेगी और देन वेटिंग के लिए मैं। बोर्डिंग मेरी क्लियर हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ वेटिंग एरिया की तरफ। अभी टाइम है एक घंटा तकरीबन फ़्लाइट में, थोड़ा वेट करेंगे देन वो बिठाना शुरू करेंगे। फाइनली गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जहाज़ की तरफ, क्लियर हो गया सब कुछ, तो यहाँ से हम जाएंगे बहरीन। बहरीन स्टे होगा कुछ टाइम के लिए और बहरीन से फिर जाएंगे हम कराची। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस सब कुछ क्लियर हो गया था और अभी मैं बैठ गया हूँ, तो अभी बस टेक ऑफ होने वाला है। बहरीन एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ मैं, ये देखें कैसे खाली पड़ा हुआ सारा, मेरे साथ वाले तो सारे आगे चले गए लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं भी जाता हूँ मोबाइल थोड़ा चार्ज कर दूँगा, फ़्लाइट में कुछ दो घंटे अभी पड़े हैं, तो उतनी देर में मोबाइल चार्ज करते हैं, थोड़ा नेट यूज़ करते हैं, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा ना। तो गाइस फाइनली कराची की बोर्डिंग भी हो चुकी है क्लियर, अभी मैं प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे बाद कराची आऊँगा। ये हमारा प्लेन खड़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं घर पहुँच गया हूँ, तो अभी करते हैं रेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।